कमजोर दृष्टि का प्राकृतिक उपचार। मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें। अपनी आंखों की पुतलियों को दाएं बाएं और ऊपर नीचे करने के साथ ही चारों ओर घुमाएं, इससे आंखों का व्यायाम होता है। अपने अंगूठे को आंखों की सीध में दोनों भौहों के बीच रखें और कुछ समय तक आंखों को उसी बिंदु पर टिकाए रखें। दीवार पर आंखों की सीध में किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और इसे कम समय से लेकर धीरे धीरे अधिक समय तक करने का प्रयास करें। दीपक की लौर को एकटक निहारने की प्रक्रिया को त्राटक कहते हैं। यह प्रक्रिया आंखों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ एकाग्रता में भी वृद्धि करती है। सुबह के समय हरी घास पर चलना आंखों के लिए फायदेमंद होता है, खासतौर से जब घास पर ओस जमी हो। कुछ समय घास पर चहलकदमी के लिए भी जरूर निकालें। एक चने के दाने जितनी फिटकरी को सेंक 100 ग्राम गुलाब जल में डालकर रख लें। रोजाना रात को सोते समय इस गुलाब जल की 4-5 बूंद आंखों में डालें। साथ ही पैर के तलवों पर घी की मालिश करें, इससे चश्मे का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। आंवले के पानी से आंखें धोने से या गुलाब जल डालने से आंखें स्वस्थ रहती हैं। आंखों के हर प्रकार के रोग जैसे पानी गिरना, आंखें आना, आंखों की दुर्बलता आदि होने पर रात को 8 बादाम भिगोकर सुबह पीसकर पानी में मिलाकर पीने से आंखें स्वस्थ रहती हैं। सुबह के समय उठकर बिना कुल्ला किए मुंह की लार अपनी आंखों में काजल की तरह लगातार 6 महीने लगाते रहने पर चश्मे का नंबर कम हो जाता है। गाय के घी की हल्के हाथ से रोजाना कुछ देर मसाज करने पर आंखों की रोशनी बढ़ती है। त्रिफला चूर्ण को रात्रि में पानी में भिगोकर सुबह छानकर उस पानी से आंखें धोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। प्रिय दोस्तों, आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। बादाम की गिरी, बड़ी सौंफ व मिश्री तीनों को समान मात्रा में मिला लें। रोज इस मिश्रण को 1 चम्मच मात्रा में 1 गिलास दूध के साथ रात को सोते समय लें। सबसे पहले तो आप आंखों में नमी बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। इसके अलावा आंखों को पानी से धोकर भी स्वस्थ रखा जा सकता है और साथ ही फलों के जूस का सेवन करें। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मॉर्निंग वॉक जरूर करें, इसके साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करें। आंखों में किसी तरह का दर्द या फिर जलन हो रही हो तो रात में सोने से पहले सरसों के तेल से पैर के तलवों की मालिश करें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। कंप्यूटर पर काम करते समय एंटी ग्लेयर आई ग्लास जरूर पहनें ताकि हानिकारक किरणों से आपकी आंखों को कोई हानि ना पहुंचे और आंखों पर लोड ना पड़े। कॉटन रुई की बाल बनाकर उसे ठंडे पानी में भिगोकर अपनी आंखों की पलकों पर 5 से 10 मिनट तक रखें। कॉटन रुई ना हो तो आप कॉटन के साफ कपड़े का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे आंखों को काफी आराम मिलेगा।
आंखों की देखरेख करने के लिए आप टी बैग का उपयोग भी कर सकते हैं। इसे आप ठंडे पानी में भिगोकर सूखा ले उसके बाद 5 से 10 मिनट तक आंखों की पलकों पर रखकर आंखों को आराम दे। इससे आपकी आंखों में ताजगी महसूस होगी। आंखों के लिए खीरा खाना बहुत फायदेमंद है। यह आंखों में रिफ्रेशमेंट का अनुभव कराती है। इसका एक उपाय यह भी है। सबसे पहले तो आप एक खीरा लें, इसके गोल गोल छोटे छोटे टुकड़े कट लें और दोनों आंखों की पलकों पर 10 से 15 मिनट तक रखें। इससे मिलने वाली ठंडक से आपकी आंखें स्वस्थ रहेगी। आंखों में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए रोज सुबह उठकर खाली पेट पालक के पत्तों का सेवन करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ने के साथ साथ शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ेगी। आंखों की देखभाल करने एवं आंखों के रोगों से बचने के लिए आप आयुर्वेदिक उपचार की मदद ले सकते हैं। कमजोर दृष्टि का आयुर्वेदिक उपचार। आईलाइट कैप्सूल्स कमजोर दृष्टि का आयुर्वेदिक हर्बल उपचार है। आईलाइट कैप्सूल जड़ी बूटियों से भरी हुई हैं, जो आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत फायदेमंद हैं। ये जड़ी बूटियां आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, जो लेंस की गति को नियंत्रित करती हैं और निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार करती हैं। आईलाइट कैप्सूल की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट आयुषरेमेडीज.in पर जाएं। क्या आप भी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं? यदि हाँ तो निशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श हेतु अथवा अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ें और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकन को प्रेस करें।